नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन की, क्लास 12 मैथ्स की। ठीक है, जो है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होती है पैरामेट्रिक फॉर्म, पहले उसको जान लेते हैं 2 मिनट में, उसके बाद एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करते हैं जो कि लिखी हुई है। ठीक है, तो देखो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो सर, जैसे ये इक्वेशन, देखो यहीं पर ही समझाते हैं आपको। क्वेश्चन में फर्स्ट में यहां पे वेरिएबल कौन है, एक वेरिएबल एक्स है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में देखो 2a तो कांस्टेंट है, वेरिएबल यहां कौन है, टी है, टी वेरिएबल है। ठीक है, टी कांस्टेंट नहीं है, टी वेरिएबल है। ओके, ठीक हो गया। अब एक इक्वेशन और लिखी गई है, इस इक्वेशन में वेरिएबल वाई है और दूसरा वेरिएबल भी टी है। ठीक है, मतलब एक्स का रिलेशन किसके साथ है, टी के साथ है। एक्स का रिलेशन किसके साथ है, टी के साथ है। और दूसरी इक्वेशन से हम ये बोलेंगे ना कि वाई का रिलेशन किसके साथ है, वाई का रिलेशन भी टी के साथ है। ठीक है, ओके। देखो अब जो ये टी है, देखो टी जो है, टी की हेल्प से हम एक्स और वाई में भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये समझो ना, ऐसे समझो, देखो जो एक्स है वो टी का भाई है, सुनना, एक्स है टी का भाई, ऐसे समझो, और वाई भी टी का भाई है। एक्स टी का भाई है, वाई भी टी का भाई है, क्योंकि टी टी तो सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया यार, एक्स और वाई भी तो भाई भाई होंगे, है ना, तो निकल गया ना रिलेशन। तो ऐसे ही देखो, एक्स का रिलेशन टी के साथ है, वाई का रिलेशन भी टी के साथ है, तो इसका मतलब है एक्स और वाई में भी कोई रिलेशन होगा, नहीं होगा, होगा ना। ठीक हो गया, तो इसका मतलब है एक्स और वाई में रिलेशन बनाने का काम कौन कर रहा है, टी कर रहा है ना, क्योंकि अगर टी नहीं होता तो इन दोनों के बीच में हम रिलेशन क्या था क्या है वो नहीं बता सकते हैं। तो टी की हेल्प से हम एक्स वाई के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, ये जो टी, जो कि कहने का मतलब है थर्ड वेरिएबल है ना, थर्ड वेरिएबल, क्योंकि एक्स वाई तो होता ही है, इस बार तीसरा वेरिएबल टी आया है। इस टी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर, क्योंकि ये टी एक ऐसा वेरिएबल है, टी एक ऐसा पैरामीटर है जो एक्स और वाई के बीच में एक लिंक सेटअप करेगा, एक रिलेशन बना के दे देगा हमें। तो टी हो गया पैरामीटर। तो जिस किसी इक्वेशन में आपको क्या टी मिले, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन सी इक्वेशन हो गई, वो हो गई पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है आपकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है, आप देख लो, क्योंकि एक्स भी टी पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी टी पे डिपेंड कर रहा है, और टी क्या बताएगा, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बताएगा। ठीक है, क्या रिलेशन है वो देख लेंगे आगे। तो ये समझ में आ गया आपको कि पैरामीटर कौन है और किस इक्वेशन को हम पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, किस इक्वेशन को बोलते हैं, जहां पे स्टूडेंट्स तीन वेरिएबल हो और तीनों में से एक वेरिएबल कनेक्शन बना दे बाकी दो वेरिएबल के बीच में, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। और जो वेरिएबल हमारा रिलेशन बना के हमें दे, उस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। बस क्लियर है ना, तो करें स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, आपके सामने रखा हुआ है और आपको देखो सब समझ में आने वाला है। देखो कुछ भी परेशानी नहीं होने वाली, सब समझ में आने वाला है बहुत बढ़िया से। देखो हमने निकालना है क्वेश्चन, तो डीवाई बाई डीएक्स निकालना है। एक्स इक्वल्स टू है 2at² वाई इक्वल्स टू है at⁴। करें, देखो कौन है पैरामीटर इसमें, बताओ, साफ साफ दिख रहा है आपको, टी पैरामीटर है ना, टी पैरामीटर है। ओके, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, ये याद रखना, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डी बाई डी करना है एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। डी बाई डी मतलब डिफरेंशिएशन होता है, डी बाई डी करना है एक्स का टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टी पैरामीटर है। ओके, देखो
डी बाई डी टी ऐसी रखा, एक्स की जगह ये है ना यहाँ पे था ना एक्स, देखो यहाँ पे एक्स था डी के बगल में, तो यहाँ एक्स की जगह क्या रखूँगा मैं, टू ए टी स्क्वायर, ठीक है, डी बाई डी टी टू ए टी स्क्वायर हो गया। तो देखो डी एक्स बाई डी टी कॉन्स्टेंट कौन है, टू ए कॉन्स्टेंट है, टू ए बाहर आ गया, ठीक है, डी बाई डी टी करेंगे हम किसका, टी स्क्वायर का, ठीक है, टी स्क्वायर का, ओके, डी एक्स बाई डी टी ऐसी रखा, टू ए कॉन्स्टेंट ऐसी रखा, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर एन, अरे डी सुनो देखो ना, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन होता, नहीं होता है, तो अगर x की जगह जहां जहां x है वहां t रख दो तो क्या होगा, देखो जहां जहां x है अगर वहां t आ जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो बनेगा नहीं बनेगा ये, तो d बाई डी टी ऑफ t की पावर n क्या हो जाएगा, n t पावर में n माइनस वन, तो यही तो है d बाई डी टी ऑफ t की पावर n, n तो नंबर होता है ना, रियल नंबर होता है, कौन है रियल नंबर, टू है, तो क्या आ जाएगा, टू टी पावर में टू माइनस वन, ये तो क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, टू टू जा फोर ए और टी, टू माइनस वन तो वन ही होता है, तो ये क्या निकल गया, डी एक्स बाई डी टी निकल गया, ठीक है, ओके। अब क्या निकालें, देखो वाई इक्वल्स टू ए टी की पावर फोर हमारी दूसरी इक्वेशन है, पैरामीटर टी है, तो मतलब टी के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे किसका, y का, ठीक है, ओके, तो d बाई डी टी ऐसी रखा, y की जगह क्या लिखते हैं यहां पे, a t की पावर 4, तो dy वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या आ गया, a कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, d बाई डी टी किसका होगा, t की पावर 4 का, फिर से d बाई डी टी ऑफ t की पावर n क्या होता है, n t पावर में n माइनस वन, तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ए, टी की पावर फोर का क्या हो जाएगा, फोर टी पावर में फोर माइनस वन, क्योंकि फोर क्या है, एन जैसा है, तो डी वाई बाई डी टी क्या आ गया बताओ, फोर ए लिख देते हैं, ए इंटू फोर है ना, सही से लिख दिया मैंने, फोर ए टी क्यूब, फोर माइनस वन थ्री, ये क्या आ गया, डी वाई बाई डी टी आ गया, इक्वेशन नंबर टू हो गई, समझ में आया, अच्छा देखो लेकिन लेकिन सुनो, हमें तो भैया dy वाई बाई डी एक्स निकालना है, हमने निकाला क्या, हमने तो एक इक्वेशन में निकाला dx एक्स बाई डी टी और दूसरी इक्वेशन हमने बनाई है dy वाई बाई डी टी की, लेकिन हमें निकालना है dy वाई बाई डी एक्स, ठीक है, हमें निकालना है dy वाई बाई डी एक्स, तो क्या स्टूडेंट्स मैं क्या करने वाला हूं, देखो dy वाई बाई डी एक्स को जो न्यूमिनेटर में dy है इसको मैंने dt से डिवाइड करा अपॉन कौन सा डिवाइडेशन, ये वाला डिवाइडेशन ये है, और dx को भी मैंने क्या करा, dt से डिवाइड करा, देखो dt और dt तो कैंसिल हो सकते हैं ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स ही बचेगा, और dy बाई डी एक्स ही तो यह है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, देखो फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है, dy बाई डी टी की वैल्यू मेरे को पता है इक्वेशन टू से कितनी, 4a t की पावर 3 अपॉन कौन सा वाला, ये वाला अपॉन साइन, dx बाई डी टी की वैल्यू क्या है इक्वेशन नंबर वन से, 4a देखो 4a से 4a कटा, एक t से एक t कटा, ठीक है, t कितने थे, तीन थे, एक कट गया, कितने t बचे, दो t बचे, मतलब t का स्क्वायर बचा, और किसकी वैल्यू आई है यार, ये क्या निकाल रहे हम, dy बाय बाय डी एक्स ही तो है ये, ठीक है, इसकी वैल्यू तो ये लिख दी, तो ये क्या निकल रहा है, dy बाय डी एक्स, तो dy बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, t स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड dy बाय dx बोल रहा है, x इक्वल्स टू a cos थीटा दे रखा है, y इक्वल्स टू b cos थीटा दे रखा है, दो इक्वेशन दे रखी हैं, तो अब मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन में पैरामीटर कौन है, ऐसा वेरिएबल जो दोनों में आ रहा हो वो पैरामीटर है, देखो थीटा दोनों में आ रहा ना, थीटा पैरामीटर है, तो इसका मतलब है दोनों इक्वेशनों को हम पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो x का d बाई डी एक्स करते हैं, मतलब x का डिफरेंशिएशन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ओके, तो d बाई डी थीटा ऐसी रखा, x की जगह क्या लिख देंगे हम,
ए कॉस थीटा, ओके डी एक्स बाई डी थीटा ऐसी रखा, जो कांस्टेंट होता है बाहर आ जाता है, उसको कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता, आपको पता है। तो ए बाहर आ गया, डी बाई डी थीटा किसे करेंगे हम, कॉस थीटा का, डी एक्स बाई डी थीटा, ए बाहर, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस साइन थीटा, देखो क्या होता है माइनस साइन थीटा, ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने, आप लोग ऐसा करते हो माइनस साइन थीटा, अरे यार ये देखो बाहर वाला जो ए है और डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी फंक्शन है दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आंसर भी जो आएगा वो भी मल्टीप्लाई में रहेगा, ये होगा ठीक है। आंसर क्या आया, माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई में होगा, मतलब ब्रैकेट लगा दिया मैंने, तो डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए साइन थीटा, माइनस को बाहर ले लिया ठीक है, समझ में आया, माइनस को मैंने बाहर ले लिया है, अरे यार ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बाहर ले लिया, ये आ गई क्वेश्चन नंबर वन, डी एक्स बाय डी थीटा निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में ठीक है ना, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखो d बाय डी थीटा निकाल रहे हैं किसका, y का, ओके d बाय डी थीटा, y y की जगह क्या लिख सकते हैं, y की जगह क्या लिख सकते हैं, b cos थीटा, तो d y बाय डी थीटा कितना आया, b तो कॉन्स्टेंट है बाहर आया, d बाय डी थीटा किसका, कॉस थीटा का, ओके डी वाई बाई डी थीटा, बी ऐसी रखा, डी बाई डी थीटा कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे, अरे दोनों मल्टीप्लाई में हैं, माइनस मल्टीप्लाई में आएगा ठीक है, डी वाई बाई डी थीटा, देखो प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बी साइन थीटा, देखो ये क्या निकल गया, ये निकल गया डी वाई बाई डी थीटा, और ये हो गई स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर टू। मुझे क्या चाहिए, मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, आ जाओ फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, डी वाई बाई डी एक्स है क्या है, थीटा नॉट टी, हाँ थीटा टी अलग, तो देखो डी वाई बाई डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिवाइड करा, हाँ दोनों को थीटा से डिवाइड कराया, देखो डी थीटा से डिवाइड, डी वाई में भी करा है और डी एक्स में भी क्या करा है, डी थीटा से डिवाइड करा है ना, टी से नहीं करा, डी वाई बाई डी थीटा कितना है, क्वेश्चन नंबर टू से, माइनस बी साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, माइनस ए साइन थीटा, देखो क्या क्या कट रहा है, अरे माइनस से माइनस गया, साइन थीटा पूरे का पूरा कैंसिल, आंसर क्या आया, क्या बचा, बी बाय ए बचा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी बाय ए आ गई स्टूडेंट्स ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, पहली इक्वेशन है x इक्वल्स टू साइन टी, दूसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू कॉस टू टी, देखो दोनों इक्वेशनों में आने वाला पैरामीटर कौन है, t है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, x का d बाई डी टी ना, ओके तो d बाई डी टी x के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में करा x का, ओके x की जगह क्या लिखेंगे, साइन टी, तो डी एक्स बाई डी टी, बताओ यार डी बाई डी टी ऑफ साइन टी क्या होता है, अरे कॉस टी होता है डायरेक्ट, खत्म, यहां आ जाओ वाई का डिफरेंशिएशन, वाई का डी बाई डी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर कौन है, टी है ना, तो वाई का डिफरेंशिएशन कर दिया किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, ओके डी बाई डी टी ऐसी रखा, वाई की जगह क्या, कॉस 2t लिख दिया, dy वाई बाई डी टी कॉन्स्टेंट कुछ है नहीं तो बाहर नहीं आएगा, देखो अब सुनना अब क्या करने वाले हैं, अब चेन रूल लगेगा इसमें, d बाई डी टी ऑफ कॉस t जैसा मान लो इसको, t जैसा मान लो, मान रखा है इसको, हाँ तो कॉस t का क्या होता है, माइनस साइन t होता है, t किसको माना है, 2t को माना है ना, t जैसा माना है, और आपको बता रखा है जिसको t जैसा माना है, जो रियल में t नहीं था, कि रियल में तो ये 2t है ना, t थोड़ी है, तो उसका d by dt दोबारा से करते हैं, किसको करेंगे, किसका करेंगे, 2t का, क्योंकि 2t को t जैसा माना है, तो d by dt करा 2t का, ओके तो dy by dt की वैल्यू क्या आएगी, देखो माइनस साइन 2t, अच्छा यहां से देखो 2 कांस्टेंट है तो बाहर आया, देखो सुनते रहे ना, 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया,
डी बाई डी टी किसका हो गया, खाली टी का, क्लियर है, समझ आया, डी टी डी टी कैंसिल आउट हो गए, तो डी वाई बाई डी टी क्या आया। अब अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना, ये टू को ये टू से मल्टीप्लाई मत कर देना, अरे साइन का ये एंगल है, इतना ही एंगल है, इतना ही एंगल है, ठीक है, तो एंगल से कोई भी चीज ना ही मल्टीप्लाई होती है ना ही बाहर जाती है, ठीक है, ये एंगल है टू टी, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, तो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये कहां जा सकता है, इसको आगे लिख दो सामने, ये क्या बचा, साइन टू टी, क्लियर है, ओके, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर टू। हमें क्या चाहिए, आ जाओ, हमें चाहिए डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या करने वाले हैं, अब तो याद हो गया होगा, डी वाई को भी डी टी से डिवाइड कर दो, अपॉन डी एक्स को भी क्या कर दो, डी टी से डिवाइड कर दो, ओके, अब डी वाई बाय डी टी इक्वेशन नंबर टू से क्या है वैल्यू बताओ, माइनस टू साइन टू टी है, अपॉन कौन सा अपॉन, ये वाला अपॉन डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से क्या है, कॉस टी है, समझ में आया, ओके, तो देखो हालांकि आंसर है लेकिन अगर कुछ और सॉल्व हो रहा है तो कर सकते हो आप लोग। देखो जैसे मुझे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पता है क्लास इलेवंथ की, कि साइन टू टी का फॉर्मूला मुझे पता है, तो देखो माइनस टू तो ऐसी रेखा, साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन टी कॉस टी, ठीक है, साइन टू टी का फॉर्मूला लगा दिया, टू साइन टी कॉस टी और अपॉन कॉस टी चल रहा है, क्योंकि मुझे पता था ना कि नीचे वाला जो कॉस टी है ना वो कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैंने इसको ओपन कर दिया, देखो हो गया कॉस टी कैंसिल आउट होगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, सब मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो गए, तो फाइनली मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, देख बताओ, माइनस ऐसी रहा, टू टू जो फोर साइन टी, क्लियर है, ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की वैल्यू दे रखी है 4t और दूसरी इक्वेशन में वाई की वैल्यू दे रखी है 4 अपॉन टी, ठीक है, तो करते हैं, देखो पैरामीटर कौन है, साफ साफ दिख रहा है आपको पैरामीटर t है, तो x का डिफरेंशिएशन किसके साथ करेंगे, t के साथ, t के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, मतलब d बाई डी टी करा x का, ओके, d बाई डी टी ऐसी रखा, x की वैल्यू बताओ 4t, ओके, 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आया, तो d बाई डी टी किसका हुआ, t का, तो देखो dt डिनोमिनेटर में, dt न्यूमिनेटर में कैंसिल आउट, आंसर क्या आया 4, मतलब मेरे पास dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई है 4, केवल 4, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है, आई बात समझ में, ओके, अब हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करा d बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन y का कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, t, पैरामीटर है क्योंकि t, ओके, तो d बाय डी टी ऐसी रखा, y की जगह 4 बाय टी रख दिया, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो, देखो 4 कॉन्स्टेंट है ना बाहर आया, ना 4 कॉन्स्टेंट है बाहर आया, d बाय डी टी करा किसका, 4 तो बाहर आ गया तो उसकी जगह 1 बाय टी, क्लियर है, ऐसा कर दिया, देखो बहुत ध्यान से, 4 तो बाहर आया, इसकी जगह किसने ली, 1, क्योंकि देखो 4 बन जाए क्या होगा, 4 आ जाएगा अंदर दोबारा, तो 1 आ गया और डिनोमिनेटर में तो टी चली रहा है, ओके, तो डी वाई बाय डी टी बराबर 4 तो ऐसी रहा, डी बाई डी टी ऑफ, देखो स्टूडेंट्स अभी अगर मैं कहूँ आपसे टी की पावर क्या है, आप बोलोगे ना सर 1 है अभी, तो ये देखो टी की पावर जो 1 है, अगर इसको न्यूमिनेटर में लेके गया तो क्या आ जाएगा, टी की पावर माइनस 1 हो गया, टी की पावर क्या हो गया, माइनस 1, तो फॉर्मूला बन गया, देखो डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर एन का फॉर्मूला बन गया, टी की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 4 तो ऐसी रहा, बताना, हाँ एन, एन कौन है, अरे माइनस 1 है, एन टी एन माइनस 1, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया, अरे यार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स पावर में एन माइनस 1, ठीक है, और यहां पे एन क्या है, एन की वैल्यू माइनस 1 है, देख लो एन कैसा लग रहा, माइनस 1 जैसा, तो 4 तो ऐसी है, सब ये इंटू में है, डॉट का मतलब इंटू है, तो क्या ऐसे लिख दो यार, समझ में नहीं आएगा तुम लोग, बोलो एन टी पावर में एन माइनस 1, एन कौन है, माइनस 1 है, ठीक है, तो क्या आया देखो, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ गई, 4 वन जा 4 विद माइनस साइन, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 4 वन जा 4 कर दिया, टी माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, माइनस 2, क्लियर है, तो देखो अब ये टी की पावर माइनस 2 अच्छी नहीं लग रही है, अब मैं इसको दोबारा से डिनोमिनेटर में लेके जाता हूँ और पावर क्या कर देता हूँ, प्लस 2,
तो माइनस फोर तो न्यूमिरेटर में ही है, टी की पावर माइनस टू को डिनोमिनेटर लेके जा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, पावर प्लस की हो गई है और मेरे पास ये क्या आ गया, माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर क्या आई, ये आई डी वाई बाई डी टी की वैल्यू और इक्वेशन नंबर टू हो गई, ठीक है। और हमने निकालना क्या है, हमने तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे बताओ, डी वाई को भी टी से डिवाइड कर दे, डी टी से डिवाइड कर देते हैं अपॉन डी एक्स को भी क्या कर देते हैं, डी टी से डिवाइड, ओके। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू से कितनी है, बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, माइनस फोर अपॉन टी स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आया, ओके। अब लगाएंगे डिवाइड का साइन, ये वाला डिवाइड का साइन, ठीक है, ये है, ये तो इसकी वैल्यू थी ना, रख दी, फिर डिवाइड का साइन, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, देखो बहुत ध्यान से, डी एक्स बाई डी टू इक्वेशन नंबर वन से क्या है, फोर है, आई बात समझ में, ओके। देखो अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो बहुत ध्यान से देखना, इसको मैं अपॉन वन कर सकता हूं क्योंकि हर नंबर के नीचे वन होता है, तो देखो फोर्थ टर्म कहां जाती है मल्टीप्लाई होने के लिए, फर्स्ट टर्म में जाती है, और सेकंड लास्ट टर्म जो होती है कहां जाती है मल्टीप्लाई होने के लिए, सेकंड टर्म में, ये चीज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वन फोर, वन इंटू माइनस फोर, माइनस फोर अपॉन फोर इंटू टी स्क्वायर, फोर टी स्क्वायर, क्लियर है। देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, और फोर से स्टूडेंट फोर कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आया, माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, फोर से फोर कट गया ना, यहाँ क्या बचा, माइनस, यहाँ वन बचा, ऊपर कुछ नहीं है तो वन है और नीचे टी स्क्वायर, ठीक, इसकी वैल्यू आई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करते हैं, इसको नोट करो, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, y इक्वल्स टू साइन थ्रीटा माइनस साइन टू थ्रीटा, साफ साफ आपको समझ में आ रहा होगा यार, इसमें पैरामीटर कौन है, थ्रीटा है ना, तो थ्रीटा के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वेशनों को डिफ्रेंशिएट करा जाएगा, ओके। इस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, तो x का d बाई डी कर रहे हैं, d बाई डी मतलब डिफ्रेंशिएशन, x का d बाई डी करा किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर थ्रीटा के रिस्पेक्ट में, ऐसा बन गया, ओके। तो d बाई डी थ्रीटा ऐसी रखा, x की जगह क्या लिखते हैं हम, कॉस थ्रीटा माइनस कॉस टू थीटा, ब्रैकेट लगा लो आराम से क्योंकि दो क्वांटिटी है, तो ब्रैकेट लगा दिया सही तरीके से, क्योंकि ना अगर ब्रैकेट नहीं लगाते ये, तो इसका मतलब खाली डी बाई डी थ्रीटा किसका होता, कॉस थ्रीटा का, ये मतलब है, ब्रैकेट लगाया क्यों, क्योंकि डी बाई डी थ्रीटा इसका मतलब है कॉस थ्रीटा का भी है और कॉस टू थ्रीटा का भी है ना, ओके। डी एक्स बाई डी थ्रीटा, तो ये डी बाई डी थ्रीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि दोनों के लिए है, तो डी बाई डी थ्रीटा करा पहले मैंने कॉस थ्रीटा, आराम से कर रहे हैं, माइनस साइन, डी बाई डी थीटा करा किसका, कॉस टू थीटा का, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है, ऐसे रखा, अच्छा डी बाई डी थीटा कॉस थीटा तो आपको पता है यार, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है, ओके, माइनस साइन ऐसे रखा, बहुत ध्यान से देखना, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस, इसको थीटा जैसा मान रहे हैं क्योंकि टू थीटा, इसको थीटा जैसा मान रहे हैं, किसको, कॉस टू थीटा को थीटा जैसा मान रहे हैं, तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है बताओ, ये होता है माइनस साइन थीटा, थीटा कौन माना है मैंने, टू थीटा, ओके, क्योंकि ये माना है तो डी बाई डी थीटा करना पड़ेगा, जिसको माना है, किसको माना है, टू थीटा को, है ना, टू थीटा को थीटा जैसा माना था ना, तो उसका डी बाई डी थीटा करना पड़ेगा, ये चेन रूल कहते हैं इसको, ओके। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऐसी रखा, अब यहां पे देखो बहुत ध्यान से, माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब सुनते रहे, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाँ, और साइन टू थ्रीटा ऐसे ही रहा, टू को बाहर ले लूं, टू को बाहर ले लिया, देखो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो डी बाई डी थ्रीटा किसका हो गया, थ्रीटा का, समझ में आया, डी थ्रीटा डी थ्रीटा कैंसिल आउट हो गए, अब क्या ये टू इंटू टू फोर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्यों यार, ये एंगल है, ये एंगल है साइन का हमेशा से, है ना, ये एंगल चल रहा है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर आएगा, मतलब इतनी दूर तक जा सकता है यहां तक, तो डी एक्स बाय डी थ्रीटा की वैल्यू आ गई माइनस साइन थ्रीटा प्लस प्लस, ये टू को यहां लिख देते हैं और साइन क्या रहा, टू थ्रीटा, ठीक है, और ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर वन, स्टूडेंट्स ये आ गई इक्वेशन नंबर वन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब इक्वेशन टू की, कौन सी, ये वाली ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, देखो y का d बाई डी कर रहे हैं, y का d बाई डी, d बाई डी मतलब डिफ्रेंशिएशन,
किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ओके। तो डी बाई डी थीटा को ऐसे रखा, वाई की जगह क्या लिखा, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है, ओके। डी वाई बाई डी थीटा, बताओ डी बाई डी थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि डी बाई डी थीटा साइन थीटा के लिए भी है माइनस डी बाई डी थीटा साइन टू थीटा के लिए भी है ना, तो डी बाई डी थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करा दोनों के साथ, ये ओके। अब कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, डिफरेंस की फॉर्मूले लगाते हैं और बढ़ते हैं आगे। डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है सभी को पता है यार, कॉस थीटा होता है, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा है यार, ये फिर से थीटा जैसा मानेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा जैसा मान रहे हैं, क्या होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा कौन है टू थीटा, तो माना है थीटा जैसा, तो डी बाई डी थीटा कैसे करेंगे, जिसको थीटा जैसा माना है, किसको माना है टू थीटा को, आया समझ में, ओके। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आई, कॉस थीटा एज इट इज माइनस कॉस टू थीटा भी एज इट इज, टू बाहर आएगा, टू बाहर आएगा स्टूडेंट्स, यहां पे रख देते हैं टू, क्या बचेगा डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा, टू तो बाहर आ गया ना, डी बाई डी थीटा कैसे क्या करेंगे, ये खाली थीटा का, डी थीटा और डी थीटा कट गए, तो मेरे पास आंसर आ गया डी वाई बाई डी थीटा का, क्या कॉस थीटा माइनस टू कॉस क्या टू थीटा, और ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या टू आ गई। स्टूडेंट्स मेरे को निकालना क्या है, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, सुन लो मेरे को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, हाँ मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ दो तीन लाइनें, तो देखो मेरे को निकालना है क्या, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, मेरे को क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, थीटा से, टी याद आ रही है थीटा से, हाँ डी वाई बाई डी थीटा इक्वेशन नंबर टू से क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा अपॉन, कौन सा अपॉन, ये वाला अपॉन है यार, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वेशन नंबर वन से क्या है, माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, क्लियर है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, और ये आपका क्या आया, फाइनली ये आपका आंसर आ गया। अरे यार डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ये, है ना, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आपके पास आंसर है, ठीक है, हाँ ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर, नोट करो इसको, करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ, पहले क्वेश्चन दे रखिए आपको, एक्स इक्वल्स टू ए ब्रैकेट थ्रीटा माइनस साइन थ्रीटा, दूसरी क्वेश्चन है वाई इक्वल्स टू ए ब्रैकेट वन प्लस कॉस थ्रीटा, तो आपको पता लग रहा है इन दोनों इक्वेशनों में कॉमन वेरिएबल कौन है थीटा, तो इसका मतलब थीटा क्या है पैरामीटर है, इसका मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वेशनों को डिफरेंशिएट करा जाएगा, तो पहले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब बताया है आपको डी बाई डी, यहां पे लिखते हैं एक्स का डी बाई डी कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ऐसा बन गया ये, ओके। तो डी बाई डी थीटा ऐसे रखा एक्स की जगह, क्या रखेंगे हम एक्स की जगह ए, फिर ब्रैकेट है थीटा माइनस साइन थीटा, समझ में आया, ऐसा लिखा मैंने, ओके। अब एक ब्रैकेट मैंने खुद लगा दी, क्योंकि डी बाई डी थीटा ना, डी बाई डी थीटा स्टूडेंट्स ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया है ना, चीजें क्लियर होनी चाहिए। डी एक्स बाई डी थीटा, अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, देखो सबसे पहले तो यार ये कॉन्स्टेंट है, देखो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा ना, सीधे बाहर कर दो उसको बाहर, तो डी बाई डी थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है, किसके लिए, डी बाई डी थीटा करेंगे थीटा का, माइनस डी बाई डी थीटा करेंगे किसका, साइन थीटा का, क्लियर है। और ए मैंने बिल्कुल बाहर ले लिया, ए बिल्कुल मैंने बाहर ले लिया ऐसे, ये ए मैंने डिफरेंशिएशन से बाहर ले लिया, और ए दोनों के साथ था तो मैंने पहले ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि ए थीटा के साथ भी है और ए साइन थीटा के साथ भी है ना, तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और ये ब्रैकेट बता रहा है कि यार ए थीटा के लिए, थीटा के लिए भी है और ए साइन थीटा के लिए भी है, ओके। तो देखो डी एक्स बाई डी थीटा ऐसे ही रखा, अच्छा यहां देखो डी थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा वन, माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्लियर है। अब बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्लास इलेवंथ का, क्लास इलेवंथ का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, क्या वन माइनस कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है, सुनो वन माइनस कॉस टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, वो होता है टू कॉस
स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है, तो सुनो अब ये फॉर्मूला मेरे को क्लास इलेवंथ में याद है, आपको भी याद होगा, क्लास इलेवंथ का था ना। तो देखो यहाँ एंगल टू थीटा है तो यहाँ थीटा है, मतलब यहाँ डबल है तो यहाँ हाफ हो जा रहा है। तो अगर यहाँ पे वन माइनस कॉस थीटा हो तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, एंगल पे थीटा का और आधा हो जाएगा, कितना, थीटा बाय टू। तो देखो मतलब वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। लिखे इसको, तो इसको लिखते हैं, देखो डी एक्स बाय डी थीटा का जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ये तो ऐसी रखा, ये ऐसी रखा, वन माइनस कॉस थीटा क्या, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, और ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी वन, डी एक्स बाय डी थीटा हम निकाल चुके हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन में, डी बाय डी करेंगे किसका, एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। ओके, डी बाय सेकेंड इक्वेशन तो ये है, सेकेंड इक्वेशन में आते हैं, डी बाय डी करेंगे किसका, वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। ओके, डी बाय डी थीटा ऐसी रखा, वाई की जगह क्या, ए ब्रैकेट वन प्लस कॉस थीटा, क्लियर है। तो डी वाई बाय डी थीटा ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो देखो ए तो कॉन्स्टेंट है बाहर रख लो, d बाय डी थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, d बाय डी थीटा करेंगे किसका, वन का, प्लस d बाय डी थीटा, d बाय डी थीटा अंदर यहां भी जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए किसके साथ, cos के साथ, तो cos थीटा। ठीक है, तो d y बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए, ऐसी रखा यार खुद ही बताओ, d बाय डी थीटा ऑफ वन, वन तो कॉन्स्टेंट है ना, इसका क्या आ जाएगा जीरो, प्लस d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये तो डी वाई बाई डी थीटा ए, देखो प्लस माइनस क्या, माइनस ब्रैकेट चली रहा है, हाँ प्लस माइनस क्या, माइनस साइन थीटा। तो मेरे पास क्या आया, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस को बाहर ले लें, ए साइन थीटा, और ये आ गए स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर टू, है ना। तो फाइनली हम क्या करते हैं, हमने निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी थीटा क्या आया बताओ, माइनस ए साइन थीटा, इक्वेशन नंबर टू से डी वाई डी थीटा क्या, माइनस ए साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, इक्वेशन नंबर वन से इसकी वैल्यू है देखो टू ए कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू है, सुनते रहे ना, अब क्लियर है। ओके, अब यहां देखो ए से तो ए कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, माइनस ऐसी रखा, देखो साइन थीटा का फॉर्मूला यार, साइन थीटा का क्लास इलेवंथ में फॉर्मूला देखो क्या होता है, देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, सुनते रहे ना, फिर से यहां, यहां एंगल देखो डबल है, यहां हाफ हो जा रहे हैं, है ना, मतलब यहां जो भी एंगल होगा उसका आधा यहां होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी एंगल होगा राइट हैंड साइड में उसका आधा हो जाता है। तो अगर यार यहां पे साइन थीटा होता, टू थीटा के बदले यहां पे थीटा होता तो क्या हो जाता, टू साइन इसका आधा कितना होता, थीटा बाय टू, कॉस थीटा का आधा कितना, थीटा बाय टू। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। ओके, माइनस ऐसी रखा, साइन थीटा की जगह टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, और अपॉन में क्या चल रहा है, देखो अपॉन में टू चल ही रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, अच्छा ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू है, मतलब कॉस को कॉस थीटा बाय टू दो है ना, तो मैंने दो ऐसे लिखे, कॉस थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू लिखता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू को लिख दिया, देखो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा बाय टू से एक कॉस थीटा बाय टू कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई क्या, माइनस साइन थीटा बाय टू अपॉन कॉस थीटा बाय टू, क्या होता है साइन अपॉन कॉस टेन होता है ना, तो टेन थीटा बाय टू, समझ में आया, ये मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टेन थीटा बाय टू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट करो।